सब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। तो दोस्तों मैं अपनी मुर्गियों के लिए ना डाइट लेकर आ चुका हूँ। अभी मैं मुर्गियों को खोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो यार चलिए अब अपनी मुर्गियों को खोलते हैं, वो बाहर आने के लिए बेताब खड़ी हैं। मैं इनका लॉक खोल लेता हूँ और अभी ये बाहर आ जाएंगी। अभी देखिए दोस्तों वो भी बाहर आ जाएंगी। और इधर से दोस्तों मैं इनके जो से प्लेट आप सामने देख रहे हैं, तो वो प्लेट भी मैं उठाकर उसमें इनके लिए डाइट डाल देता हूँ। तो यार देख सकते हैं मेरा बबलू और बबली दोनों ही बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ से डाइट थोड़ी सी इनके लिए डालनी है और बाकी दोस्तों हमने अपने चूज़ों को डालनी है, शरीफ चूज़ों को। ऐसे नहीं यार, मुझे उठा कर ही डालनी पड़ेगी। यार बहुत सारे तो मेरे पौधे ही खाते जा रहे हैं, मैं यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि वो उसे खाएं। तो मैंने इनके लिए वहाँ पर डाइट डाल दी है, तो उसे जब खाएं ये यहाँ पर पौधे ना खाएं। तो यार आप देख सकते हैं वहाँ पर मुर्गियाँ जा चुकी हैं खाने के लिए। अभी मेरा बबलू और बबली दोनों यहीं पर खड़े हुए, ये वहाँ नहीं जा रहे, तो मैं इन्हें यहाँ पर भेज देता हूँ। जाओ बबली जाओ। तो यार अभी मेरे पेट्स यहाँ पर आ चुके हैं मुर्गियाँ दोस्तों। अभी मैं मुर्गी और उसके चिक्स को भी सामने से खोल लेता हूँ, तो वो भी यहाँ पर घास पर आके एंजॉय करेंगे। यार देख सकते हैं मुर्गी और उसके चिक्स भी बाहर आ चुके हैं। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर मुर्गी और उसके चिक्स के लिए ताज़ा पानी भर लेता हूँ। दोस्तों मुर्गी और उसके चिक्स आज तो बहुत ही ज़्यादा प्यासे हैं, इसलिए उनको मैं जल्द से भी पानी डाल देता हूँ। मैं पानी रख दिया। अभी मुर्गी और मुर्गी तो अपने चूज़ों के साथ यहाँ पर घूम रही है, और यहाँ पर इसका एक चूज़ा है जिसे मैं उठा लेती हूँ। यहाँ पर जा पानी पी। गर्म दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मी लगी हुई है इनको बहुत ज़्यादा। तो यार अभी ये पानी पी लेंगे और मैं इधर से। तो दोस्तों हमने रात को ना पैरट्स को यहाँ सेफ्टी रूम में रख दिया था, अपने बजीज पैरट्स को, और जो मैंने दूसरी फीमेल जो फिंचेस के केज में रखी हुई थी दोस्तों मैंने पकड़ ली, और रात के टाइम में मैंने उसको पकड़ के इसमें छोड़ दिया। अब ये इनका मैंने इनको भी दोस्तों बाजरी और पानी डाल दिया है, और इनकी उनसे कल मैंने लौट के लगाई थी। अभी तक तो सिर्फ उसमें बैठे ही हैं और कुछ भी नहीं है, अभी तो यहीं पर ये पड़े रहेंगे। थोड़ी देर में इनको मैं बाहर निकालूंगा। अभी मुर्गी और यहाँ पर खड़े, और दोस्तों उन्होंने इतना कचरा फैला दिया ना, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंजॉय कर रहे हैं। तो यार ये बची कुची डाइट दोस्तों मैं अपने अपने चूज़ों को डालने वाला हूँ, जो अब शरीफ हो चुके हैं। ये देखें दोस्तों इसे खाने के लिए इनकी कितना बेताब हो जा रहा है। ये पानी गलीज किया हुआ इन्होंने, तो इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और ये देखें दोस्तों चूज़े सारे ऊपर आ रहे हैं इसको खाने के लिए। अभी मैं यहीं पर डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दी है, अब ये सभी चूज़े दोस्तों इसे खा सकते हैं। और वो देखें दोस्तों वो टमाटर खा रहा है, और ये भिंडी खा रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये हर चीज़ का मिक्सचर है, इसमें पत्ती भी है, आप पत्ती भी डाल दीजिए, इसमें रोटी भी डाल दीजिए, आप सब्ज़ी जो भी बची हो वो भी आप इसमें डाल दीजिए। ये दोस्तों मुर्गियाँ और चूज़े बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जो कि इनकी ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये चूज़े ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे थे आज तो, लेकिन अभी तो ये आराम से खड़े हैं। पिजन्स ने ना अभी दोस्तों इनका पानी ख़त्म हो गया है, और फिंचेस ने भी अपना पानी ख़राब किया, तो ये पानी भी तब्दील करते हैं। तब तक मैं अपने उन पेट्स को देखता हूँ, वो बाहर है। वैसे मेरे पौधे ही ना खा जाएं, अभी तो ठीक खड़े हैं, लेकिन वो दोस्तों मेरा घास खा रही है। हट जा हट जा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे टमाटर हो रहे हैं, और ये सनफ्लावर आप देखिए कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी है, तो ये दो हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पौधे भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और ये मुर्गियाँ मेरे पौधे ख़राब कर रही हैं। हट जा रे मुर्गी हट जा। तो दोस्तों मैं बबलू और बबली को और उनके जो उनसे पार्टनर्स हैं उन सभी को अभी बंद करता हूँ, तो मैं बंद कर देता हूँ। अरे तू उधर रह गई, तो पाँच पाँच जा बबली बबली घर जा। तो यार ये बबलू बबली ये सारे अपने घर जा रहे हैं, अभी जाएंगे, और ये तू भी जा। तो यार ये बबलू बबली और ये सारे अंदर चले गए, और यहाँ पर एक एग भी आ गया, तो ये भी मैं उठा लेता हूँ। दोस्तों बबलू बाहर आ गया है, बबलू को मैं दोबारा अंदर घुसाता हूँ।
बबलू। यार ये देखिए बबलू की बहुत सी बीवियाँ हैं इसलिए उनको भी बाहर आने के शौक है, वो भी बाहर आ जाती हैं। अभी मैं बंद कर देता हूँ, इनका पानी भी डालना है, अभी तो ये अंडा ले चलते हैं। तो दोस्तों आजकल इतनी गर्मी में ना मेरे सब पेट्स अपना पानी ख़राब भी कर देते हैं और सारा के सारा पी जाते हैं, तो अभी मैंने और पानी डालता हूँ। तो यार मेरे चूजे ना और उसकी मुर्गी दोस्तों घास में सही इंजॉय करते हैं, आप देख सकते हैं वो तो ऐसे घास में छुप जाते हैं, बस ऐसे ऊपर से घास दोस्तों ऐसे ऐसे हिलता हुआ नज़र आता है, बाकी चूजे वगैरह तो कुछ नज़र आते नहीं है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे ये वाला चूज़ा बहुत ही ज़्यादा ख़ास लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों प्यारा है, खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो अभी हम पानी भर लेते हैं अपने पैरट्स वगैरह को और इन मुर्गियों को भी डालते हैं। पैरट्स को तो मैंने डाल दिया था, लेकिन यार अभी पिजन्स का भी पानी ख़राब है, तो पहले पिजन्स का बर्तन उठा लेते हैं और फिंचर्स का भी साथ में उठा लेते हैं, तब इनका भी पानी रख देते हैं, फिर ये पी सकेंगे उसे और इनकी प्यास दोस्तों भूज जाएगी सारी। तब मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये देखा दोस्तों अपना नेस्टिंग मटेरियल इसी में गिरा देते हैं जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। ओहो यार हवा की वजह से ना दोस्तों इनका केज का दरवाज़ा खुल गया और ये सारी मुर्गियां दोबारा से बाहर आ गई, लेकिन यार अभी ये खुली रहें क्योंकि मेरे हाथ में अभी ये बर्तन है, इसमें पानी भर के रख देता हूँ फिंचेस का, उसके बाद मैं इन सबको बंद कर दूँगा। हट जाओ, यार मैंने यहाँ से ताज़ा पानी भर लिया फिंचेस के लिए, अभी ये ले चलते हैं फिंचर्स को रख देते हैं और फिंचर्स पीने से। ये देखिए दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ फिंचर्स के केज में, यार ये फिंचर्स ने सारी अपनी कंगनी गिराई हुई है, ये तो सारी पिजन्स के केज में भी गई हुई है और यहाँ पर भी इन्होंने गिराई हुई है, देख सकते हैं आप, ये सारा कचरा खिला देते हैं फिंचर्स। और ये देखिए इनका नेस्टिंग मटीरियल बच नहीं गया, सारा इन्होंने दोस्तों पानी के बर्तन से बाहर फेंकवा दिया मुझसे और सारा ख़राब कर दिया, पानी भी और अपना नेस्टिंग मटेरियल सारा ख़राब कर दिया। अब ख़त्म हो चुका है इनका नेस्टिंग मटेरियल, तो वो मुझे और भी लेकर आना होगा, आज तो नहीं लेकिन मैं कल ज़रूर लेकर आऊँगा इनके लिए नेस्टिंग मटेरियल। ये दोस्तों नेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन एग्स भी नहीं दे रहे और ना ही ये ब्रीडिंग बॉक्स में नेस्टिंग कर रहे हैं, ये सियाने बन रहे हैं और ये ऊपर नेस्टिंग कर रहे हैं, पहले ये नीचे करते थे फिर यहाँ करते थे फिर दोबारा यहाँ करने पड़ गए, फिर ऊपर कर रहे थे फिर दोबारा नीचे, अभी अंदर जा रहे थे फिर दोबारा ऊपर कर रहे हैं। इनके दोस्तों खुद को ही नहीं पता किस तरह घोंसला बनाया जाता है, ये बस शुरू हो जाते हैं ऐसे ही, और यहाँ पर सारा देखें यहाँ तक आया हुआ था इनका नेस्टिंग मटेरियल, कभी यहाँ तक आया हुआ था, अभी आप वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर भी नेस्टिंग मटेरियल इनका दोस्तों जाली के अंदर है, ये सारा ऐसे ख़राब कर देते हैं और यहाँ पर जाली के अंदर है ही नेस्टिंग मटेरियल, आप देख सकते हैं। यार यहाँ से मैंने अपने दोस्तों पैरेट्स कहता हूँ, मैंने अपने पिजन्स के लिए यहाँ से पानी भर लिया है, अभी इसे ले चलते हैं, अभी ये ठंडा और ताज़ा पानी है इसे ले चलते हैं और ये अभी उसे पी सकेंगे। यार उन्हें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि यार वो ऐसे सारा दिन बैठे रहते हैं अपने नेस्ट में और एग्स भी नहीं दे रहे और ये सारा दिन गर्मी पर ऐसे बैठे ही रहते हैं और हवा भी नहीं लगाते, आप देख सकते हैं वो अभी भी बैठा हुआ है अंदर, बैठा हुआ है दोस्तों, मुझे कंफर्म हो चुका है ये मेल है और ये फीमेल है दोस्तों। यार इनकी गानी से पता चलता है, ये उनसे आप गानी देख सकते हैं, ये गानी जिसकी लाइट होती है वो फीमेल होती है और जिसकी डार्क होती है वो मेल होता है, तो वो दोस्तों अब मेल अंदर बैठा हुआ है और ये फीमेल बाहर है, ये उसको एग्स देने ही नहीं दे रहा, ये खुद छाना बन रहा है, हालांकि इसने तो एग्स देने भी नहीं है, ऐसे ही बस जाके बैठ जाता है खेलता रहता है सारा दिन। और अभी आप देखेंगे मैं इसको हाथ लगाने की कोशिश करूँगा, ये किस तरह गुस्सा करेगा मुझ पर, यार ये क्या किया इसने, इतना ज़ोर का मारा है दोस्तों इसने, अभी तो इसे बंद कर देता हूँ, मुझे तो दोस्तों बड़े ज़ोर का मारा है इसने हाथ पर, तो बंद कर देते हैं इसे। यार ये देखिए इन्होंने और कंगनी गिरा दिया, अभी आराम नहीं आ रहा, अभी इनका जो दोस्तों ख़राब पानी है तो ये गंदा हुआ सारा गलीज हुआ, इसको बर्तन भी साफ़ करना, तो ये मैं ताज़ा पानी भर लेता हूँ। यार ये चूज़ों को आराम आता ही नहीं है, ये इतना पानी ख़राब कर देते हैं अपना, मैं सारा दिन तंग आ चुका हूँ चूज़ों से, ये ना तो अपने केज को साफ़ रखते हैं ना ये देखिए बाहर किसी चीज़ को साफ़ रखते हैं, उल्टा ये अपने पानी को भी अब ये ख़राब कर रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर रहे दोस्तों। देखें दोस्तों ये सब चूज़ें देखने आए हुए हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यार यहाँ पर मैं पानी भर रहा हूँ अपने चूज़ों के लिए, तुम देख लो यकीन नहीं आ रहा, चेक कर लो, ये वाला मेरा दोस्त है, आ जाओ आ जाओ, ये देखो दोस्तों मैंने सब हाथों में बिठा लिया, अच्छा डाल देता हूँ ये मुर्गी के पास मुर्गी का, यार यहाँ से मैंने अपने चूज़ों के लेना दोस्तों पानी भर लिया है, तो मुझे चिक्स के चूज़ों के केज में रख देते हैं अभी, तो यार ये देखिए इतना कचरा फैला रखा है ना दोस्तों, मैं तंग आया हूँ, आज तो मैंने इनकी केज की भी सफाई करनी थी लेकिन अब तो नहीं कर पाऊँगा,
मुझे दोस्तों याद नहीं आया आज, लेकिन मैं कल कर दूँगा। अभी तो इन्होंने कचरा ही फैलाया हुआ सारा, यहाँ पर लॉक कर देते हैं इसे। अभी इनको मैं, इन्होंने डाइट खा ली अपनी, अब इन्हें बाजरी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, बस इन्होंने रोटी वगैरह खा ली तो अभी ये फूल हुए हैं और ये पानी पी लेंगे अभी। बस अब ये सारा कुछ हो चुका है, अब अपनी मुर्गियों को बंद करते हैं। और तो यार मुर्गियों को बंद करने से पहले मैंने इनका पानी भर के रख दिया है, तो ये ताकि जो ही वो है ना ये पानी पी सकें। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मेरे पेट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अभी मैं बंद कर देता हूँ, जाओ भैया अपने घर जाओ, बबलू बबली जल्दी जाओ। अभी दोस्तों इनको अपने नाम की पहचान ही नहीं है, ये पता ही नहीं है मैं बबलू बबली इन्हीं को बुला रहा हूँ, इन्हें कुछ पता नहीं है, होश ही नहीं है, इनको घर का ही नहीं पता इसको तो, उनको तो पता ही है, तो चले जाएंगे। बबलू बहुत अच्छा दोस्तों, ये देखो शराफत से अंदर चला गया। अभी तुम भी चले जाओ, जाओ जाओ तुम भी जाओ। तो यार मेरी एक मुर्गी वहाँ पर है, मैं ऐसे वहाँ पर ढूंढ रहा था पीछे ही, लेकिन ये यहाँ पर खड़ी है। अभी इसे भी बंद कर देते हैं। अभी दोस्तों अब मैं सारों को ऐसे बंद कर दूँगा, चले जाओ घर में जाओ, घर वो है तुम्हारा, वो सामने वाला घर है तुम्हारा, जाओ। कल आ ही गया आखिर। तो दोस्तों मैंने इन्हें बंद कर दिया है, अब बस इनको लॉक कर देते हैं। अब ये लॉक भी हो चुका है, अब मुर्गी और उसके चिक्स को मैंने बंद करना है। ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बंद होते हैं, खेलते रहते हैं खेलते रहते हैं, घास से थकते नहीं। यार ये देखिए ये भेड़ उड़ रहा है तो मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन अब वहाँ चला गया। तो मुर्गी और उसके चिक्स को दोस्तों बंद करता हूँ, लेकिन इन्हें बंद करने से पहले मैं अपने पैरेट्स को देखता हूँ। पैरेट्स को गर्मी लगी होगी, अभी के लिए इन्हें बाहर निकालते हैं। तो यार मैंने पैरेट्स को बाहर निकाल लिया है, अभी ताज़ा हवा ले लें और इनकी गर्मी ख़त्म हो जाए, तो इसके बाद मैंने यहाँ से उठाकर दोबारा अंदर रख दूँगा। और अभी मुर्गी और उसके चिक्स को भी दोस्तों इन्हीं के साथ ही बंद करूँगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मत भूलिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों मैं आपको ना बिल्ली के बच्चे से मिलवाना भूल ही गया था। यार ये बिल्ली का बच्चा रात को ना बिल्ली हमारे घर लेकर आई है, और यार यहाँ पे ये सो रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। अभी तो ये मुझसे डर के पीछे जा रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। तो यार ये यहाँ पर दूसरा है, ये देख सकते हैं, एक वहाँ पर छुपा हुआ है और एक यहाँ पर है। ये तीसरे तीन थे दोस्तों, ये तीसरा पता नहीं बिल्ली कहाँ लेकर चली गई है। ये दो तो यहाँ पर सो रहे हैं, लेकिन वो तीसरा पता नहीं कहाँ चला गया। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे छुपा हुआ है, एक वहाँ पर है।